हेलो वीवर्स, डेली टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डेली हिट टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको बताऊंगी दांतों को सफ़ेद और मजबूत बनाने के चमत्कारी नुस्खे और प्राकृतिक उपाय। फ्रेंड्स, किसी को अपनी ओर जल्दी से आकर्षित करने के लिए मोतियों जैसे खिलखिलाती मुस्कान की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मौजूदा समय में अधिकतर लोग दांतों की समस्या से घिरे हुए हैं। दांतों में पीलापन आने के कई कारण हो सकते हैं। कई लोग रोज़ाना दातून नहीं करते हैं, तो कई लोगों में दूषित खाने का सेवन करने से दांतों में पीलापन आ जाता है। इसके अलावा पानी में मौजूद केमिकल्स, तंबाकू और कलर्ड फूड्स के ज़्यादा इस्तेमाल से भी दांतों में पीलापन आ जाता है। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कैसे इस पीलेपन को प्राकृतिक तरीके से दूर किया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और साथ इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। पहला है दूध के उत्पाद। फ्रेंड्स, दांत चमकाने के लिए वैसे तो आपको बाज़ार में कई तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन इनसे दांतों को फ़ायदा मिलने के बजाय नुकसान पहुंचने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जिस तरह से प्राकृतिक उत्पाद आपके दांतों को साफ और मजबूत कर सकते हैं, उस तरह कोई और नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूध और दूध से बने उत्पाद हमारे दांतों से बहुत जल्द पीलापन दूर करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि दूध में भारी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जिन लोगों को पीले दांतों की शिकायत होती हैं, उन्हें चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, नमक है सबसे ज़्यादा असरदार। दांतों को साफ और मोतिया जैसा सफ़ेद बनाने के लिए नमक का इस्तेमाल हमारी संस्कृति में बहुत पहले से चला आ रहा है। नमक में भारी मात्रा में सोडियम और क्लोराइड होता है, जो दांतों का पीलापन कम करने में मदद करता है। दांत साफ करते वक्त हमेशा ब्रश में पेस्ट के साथ थोड़ा सा नमक ज़रूर रखें। आप खुद देखेंगे कि कुछ दिनों में आपके दांत साफ़ हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रहे, नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से दांतों के एनामल को नुकसान पहुंच सकता है। नींबू से करें दातून। फ्रेंड्स, दांत के बैक्टीरिया को मारने और दांतों को सफ़ेद करने के लिए नींबू वाकई बहुत ही असरदार है। खाना खाने के बाद नींबू से दांत साफ करने पर बहुत ही लाभ मिलता है। दोस्तों, रोज़ाना रात के खाने के बाद एक नींबू का रस निकालकर उसमें समान मात्रा में पानी मिला लें। खाने के बाद इस पानी का कुल्ला करें। रोज़ाना ऐसा करने से दांतों का पीलापन और सांसों की दुर्गंध दूर हो जाती है। अगर आप ऐसा रोज़ नहीं कर सकते हैं तो सप्ताह में एक बार ज़रूर करें। दोस्तों, बेकिंग सोडा से करें दांत साफ। दांतों का पीलापन दूर करने के लिए बेकिंग सोडा बहुत ही कारगर है। जिस तरह हम दांत साफ़ करते वक्त नमक का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी करना है। यानी कि दातून करते वक्त अपने ब्रश में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला लें और अब धीरे धीरे अपने दांत साफ़ करें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके दांतों पर जमी पीली परत धीरे धीरे साफ हो रही है। फ्रेंड्स, मुंह की सफाई। कुछ भी खाने पीने के कुछ देर बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ करना ना भूलें। ऐसा करने से दांतों में फंसी खाद्य वस्तुएं निकल जाएंगी। साथ ही केफाइन और कॉफ़ी और चाय आदि का सेवन कम करें, क्योंकि इससे दांत पीले हो जाते हैं। दांतों की मालिश। फ्रेंड्स, अगर आपको सफ़ेद और मजबूत दांत चाहिए तो इसके लिए अपने दांतों की दिन में दो बार नींबू के रस की मालिश करिए। इसके लिए थोड़े से सरसों के तेल और नमक में नींबू का रस मिलाकर 3 से 5 मिनट तक दांतों को साफ करिए। इसके बाद ब्रश कर लें, दांत तथा मसूड़े दोनों मजबूत हो जाएंगे। फ्रेंड्स, टूथब्रश। दिन में दो बार ब्रश करना दांतों को मजबूत और सफ़ेद बनाने के लिए सबसे ज़रूरी और आसान उपाय है। इसके सुबह सोकर उठने के बाद और रात को सोने से पहले रोज़ाना सही तरीके से दांत साफ करिए। फिर देखें कि आपके दांत कैसे मजबूत होकर मोतिया की तरह चमकते हैं।
फ्रेंड्स सब्जियां, सब्जियों में पाए जाने वाले फाइबर मुंह में एसिडिक लेवल को कम कर देता है और जब एसिड कम बनेगा तो दांतों को नुकसान भी कम होगा। इस तरह सब्जियां दांतों को मजबूत और सफ़ेद बनाने में मददगार होती हैं। सब्जियों में ब्रोकली और मशरूम का सेवन दांतों के लिए ख़ास तौर से फ़ायदा करती है। सिट्रिक फल, दोस्तों स्ट्रॉबेरी, नींबू और संतरा आदि फलों में सिट्रिक एसिड होने के कारण इसे प्राकृतिक वाइटनिंग एजेंट माना जाता है, जो कि हमारे मसूड़ों को साफ करके मुंह की बदबू को रोकता है। दोस्तों रोज़ाना भोजन के बाद एक हफ्ते तक संतरा खाने से दांतों में मजबूती आती है। सेब, दोस्तों सेब को छिलके समेत खाने से अधिक लार निर्मित होती हैं, जिससे दांतों को सुरक्षा और मजबूती मिलती है। साथ ही फ्रेंड्स सेब में पाया जाने वाला खटास दांतों की रक्षा भी करता है। फ्रेंड्स च्यूइंगम, बिना छीनी वाला च्यूइंगम दांतों के लिए अच्छी मानी जाती है। इसे चबाने से मुंह में लार बनती है, जिससे दांतों को संक्रमण से बचने में मदद मिलती है। इसे चबाने से दांतों में फंसा भोजन भी निकल जाता है। फ्रेंड्स चाय, दोस्तों ग्रीन और ब्लैक टी में पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं, जो दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है और दांतों में बैक्टीरिया से भी लड़ता है। फ्रेंड्स आपने जान लिए हैं दांतों को सफ़ेद और मजबूत बनाने के चमत्कारी नुस्खे और प्राकृतिक उपाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, बाय।